पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना जारी। आज पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 44 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 80 के पार पहुंची। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना जरूरी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा बेरोजगारी बढ़ी, दलित अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का माहौल, सरकार की नोटबंदी और विदेश नीति नाकाम। हार्दिक पटेल के अनिश्चितकालीन अनशन का आज 15वां दिन, तबीयत बिगड़ने पर हार्दिक पटेल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा, एक हफ्ते में दिशा निर्देश लागू करें, नहीं तो गृह सचिव की पेशी होगी। बिहार में भीड़ ने 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या की। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से, 2019 को लेकर रणनीति बनेगी। केसीआर के चुनावी दाव को चुनाव आयोग का झटका, मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा, किसी की भविष्यवाणी पर तेलंगाना विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और ओवल टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए।